दोस्तों गुड इवनिंग। तो बात करते हैं मार्केट की, कल क्या बताया था और आने वाले कल क्या हो सकता है। ठीक है, तो डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य है, तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें। कल मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। ठीक है, ये टेलीग्राम है, आप लोग व्हाट्सएप पे मेरे को पूछते रहते हो एस्ट्रो स्टॉक्स अपडेट। तो हमने 9 तो छोड़ दो, 10 तारीख को क्या बताया था, तेजी। कंडीशन एक ही थी कि सुबह खुलते ही मार्केट अप रहना चाहिए, तो फिर अप ही रहेगा। ठीक है, तो मार्केट में तेजी रही है पूरे दिन, ऊपर गया है। हम लोगों ने भी प्रीमियम में ज्योतिष के ही बेस पे कि भाई ऊपर जाएगा, स्टार्टिंग में ही कॉल खरीदी थी, 90-95, किसी को 100 भी मिले होंगे, पॉइंट मिल गए बैंक निफ्टी में। इसके बाद फिर हमने ट्रेड ली, वो नहीं चल पा रही थी, थोड़ा ऊपर जाता है नीचे जा रहा है वहीं चलता रहा है, और बाद में मार्केट माइनस में भी आया है। ठीक है, हमने पुट नहीं खरीदी थी, हम देखते रहे आराम से। ठीक है, फिर नीचे सपोर्ट पे आया था, तो 36,000 वाली जो कॉल 400 तक गई सुबह, ये हमने 36 की खरीदी थी सुबह, 36,000 वाली थी। बैंक निफ्टी की 36,000। ठीक है, तो यही कॉल फिर खरीदी, 260 पे खरीदी, 270 हो गई। मैं बोला नहीं बढ़ रही, निकल जा भाई सेम प्राइस पे। फिर 230 पे खरीदी, 250 तक गई है, उससे ऊपर नहीं बढ़ी है लास्ट में। ठीक है, अभी आप लोग जो बैंक निफ्टी के ऊपर बुलिश थे ना, इस एक्सपायरी में अभी छोड़ दो, पुलिस नेस फिनिश खत्म। अभी आपकी अगर कैसे ही जाता है 36,200, तो यहां पे सेल ही करना है आपको। कल क्या है, तो ये तो सही हो गया। अब ये 11 अगस्त को क्या हो सकता है कि 11:35 पे आपने चेक करना है, मॉर्निंग में मार्केट फ्लैट खुलता है, बाइंग साइड हो जाना आज की तरह, अपना 50-40 पॉइंट मिल जाए, निकल जाना। यहाँ पे फिर देखना है 11:30 बजे आपको, अगर यहाँ से डाउन जाता है तो मार्केट में एक अच्छा करेक्शन मिलेगा कल आपको, मतलब बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट का आराम से करेक्शन मिल सकता है आप लोगों को माइनस में। अच्छा, अभी मार्केट क्या है, बुलिश है, आप देखते होगे। अब कहाँ खरीदोगे, जहाँ खरीदोगे, ऐसी बात नहीं, आज भी निफ्टी की पुट जो है डबल हो गई थी, डबल से ज़्यादा हुई है देखते देखते, लेकिन हिम्मत नहीं होती है। वो क्यों नहीं हो रही है हिम्मत, कि मार्केट कहाँ से, अब जैसे जहाँ सपोर्ट है 200 से लौटे आया निफ्टी, कभी 180 से लौटा था कल, तो वो पता नहीं लगती, 20-25 एकड़ ऊपर खींचता है, 25% पैसा चला जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 11 तारीख को अगर ये डाउन हो गया ना, फिर ये मार्केट यहाँ से डाउन ही रहेगा, बृहस्पतिवार को भी डाउन ही रहेगा। ठीक है, अगर मान लो, ये खासकर बैंक निफ्टी के लिए लागू है, ये चीज ध्यान रख लेना कल का बैंक निफ्टी के लिए, अगर यहाँ से मार्केट डाउन नहीं होता, आपने 12 बजे तक देख लिया डाउन नहीं हुआ, मेरी बात समझ गए, 12 तक हमने देखा डाउन नहीं हो रहा है, फिर डाउन नहीं होगा, मार्केट अप रहेगा, है ना। तो यहाँ पे एक ये क्वेश्चन लेना है, कल मार्केट वही है फ्लैट या थोड़ा बहुत अप, 10-20 डाउन वही खुलेगा, ज्यादा गैप अप खुलने की उम्मीद कम है। ठीक है, छोटी सी बात थी, ये लिखा है, मैं हम कॉल साइड थे। ठीक, अब इसमें होता क्या है, देखो ये जो चीज मैं बता रहा है, ये मैं सैटरडे को वीडियो बना के डाल चुका हूँ, सेम चीज आपको रिपीट कर रहा हूँ, आज जो वीडियो डाला है वो डाल दिया, वहाँ आप लोग 299 रुपीज देते हो, बार बार पूछते हो हमें क्या फैसिलिटी मिलेगी, कौन सा ग्रुप मिलेगा, ग्रुप कोई नहीं मिलता भाइयों, अगर आपको इतना मिल जाए, मतलब पेपर लीक हो गया ये समझ लो, कोई पेपर देने जा रहा है उसको आंसर पहले पता है। अब यहाँ से जिसको पहले पता है कि तेजी है, ठीक है, यहाँ तेजी है, लो
पर मार्केट क्या है, ऐसे सीधा नहीं चल रहा, यू नहीं चल रहा है कि जहां आदमी यहां बाइंग करे और यहां सेल करे, बात समझ रहे। तो इसमें जो पोजीशन बाई कर रहे हैं उनको पैसा नहीं बनता, इसलिए मैंने आपको डाल दिया था सुबह ही, अगर आपने पढ़ा हो, प्रॉफिट बुकिंग जोन, जहां प्रॉफिट बुक करनी है। एक आप लोगों को भी कॉल दी थी, वो कॉल भी नहीं चली थी 500 वाली में, बोला शॉर्ट कवरिंग आ सकती है तो ये कॉल डबल हो जाएगी, चली नहीं, 1 रुपया बढ़ी थी शायद, 13.5 रुपया तक गई थी। तो मैं ये भी बोला ज़्यादा मत खरीदना। अब यहाँ होता क्या है, परेशानी क्या है कि जैसे तेजी बोली, अगर आप तेजी की साइड हो कोई परेशानी नहीं है, आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिट हो जाएगी। अब जैसे मार्केट एकदम सडन नीचे आ रहा है, वहाँ निकल जाओ या बिना स्टॉप लॉस के काम मत करो। तुम्हारा स्टॉप लॉस लग गया, अब जो अपने से ट्रेडिंग करने वाले हैं उन्हें पता है अब नीचे जा रहा है, पुट ले लो, ठीक है। कोई लिख रहा था कि YouTube पे के हमें फंसा देते हैं, भाई इसमें फंसाने वाली बात क्या है। देखो मैं आपको 100% बताता हूं, जिसको प्रॉफिट चाहिए 10-11 बजे मार्केट में प्रॉफिट लो, 1-2 ट्रेड मार के और निकल जाओ। हर इंसान को प्रॉफिट होता है 3,000, 2,000, 5,000, 10,000 तक। कितने बजे तक? 11 बजे तक, बस ये लास्ट टाइम है, नहीं 10:30 तक। जिसको कभी प्रॉफिट नहीं होता वो ये कर लो, 10:30 तक ट्रेडिंग करो, उसके बाद छोड़ दो, मार्केट बंद, बहुत काम है अपने, वो काम करो। आप लोगों को हर रोज पैसा मिलेगा हर रोज, पर ये इम्पॉसिबल है, आप कर नहीं सकते हो, ये कर नहीं सकते, पैसा जाएगा। भाई तुम्हें रास्ता मिल गया, तेजी है बोल रहे, 90% तो सही रहता है ना। पिछले वीक का भी मैंने तुम्हारे को दिखा दिया था, एक एक लिख के इस वीक का भी दिखाएंगे कि जो हम बोल रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो 299 रुपीज वाले बात कर रहे थे, ये वीडियो 4 आपको मिल जाते हैं हर सैटरडे, तो तुम्हें एक मार्केट का आइडिया मिल जाता है कि इस वीक में क्या होने वाला है, ठीक है। तो अभी जो मार्केट चल रहा है ना कहीं ये आप लोगों को चेपा जा रहा है माल, यहाँ मेरी बात मानो ना, तो यहाँ पे जो शेयर वाले बंदे हैं ना, कुछ दिन के लिए छोड़ो, मतलब अपनी प्रॉफिट बहुत से तरीका है, मैं 50 बार बता चुका हूँ, मैं रिपीट नहीं करूँगा वो क्या करना है। मेरा कोई मकसद ये नहीं है कि आप माल बेच दो, माल खरीद लो, वो नहीं बोल रहा मैं आप लोगों को। मेरा मतलब यह है कि यहाँ थोड़ा सस्ता लो आप लोग, सस्ताने का मतलब आपको बताइए, मार्केट को ऊपर ले जाते हैं आप लोगों को माल चेपते हैं ऊपर, मार्केट नीचे आ जाता है। मार्केट क्यों नीचे आता है? जब ऊपर सेलिंग करोगे, ठीक है, फिर नीचे से उठ जाता है, क्योंकि वही लोग जो सेल करके आए बाई करेंगे फिर ले जाएंगे, तो उनको तो फायदा हो रहा है। अभी शेयरों के प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप नहीं बढ़ रहे, तो आप लोग छोटे छोटे जो शेयर हैं ना उनमें पैसा लगा के अभी मत फंसना। अभी कुछ दिन के लिए मैं बताऊंगा कब खरीदना है आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।